आज के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि गाड़ी में एक्सलेटर लेने पर गाड़ी पे लाइन कट जाता है और गाड़ी चल नहीं पा रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे सामने एक ई रिक्शा आई हुई है, जिसका मैं जैसे ही मैं चाबी ऑन करता हूँ तो आप देख रहे हैं मीटर में लाइन आ रही है। आप देख रहे होंगे मीटर में लाइन जो कि बिल्कुल आ रही है। जैसे ही मैं एक्सलेटर लेता हूँ लाइन ऑटोमेटिक कट है। देखिए वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहा है, आप देख रहे होंगे वोल्टेज अप डाउन भी कर रहा है। और जैसे ही मैं एक्सलेटर लेता हूँ लाइन कट जाता है। देख रहे वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, मैं एक्सलेटर लेकर आपको दिखा दूँ। यहाँ देखिए मैंने एक्सलेटर लिया, देखिए जैसे मैंने एक्सलेटर लिया आप देख रहे हैं मीटर में लाइन कट गया है। देखिए फिर आ रहा है जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो मैं आपको इसके बताऊँगा इसकी प्रॉब्लम क्या है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है ना, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम बैटरी की वजह से होता है। बैटरी की या तो कोई अच्छी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, बैटरी लाइन छोड़ रहा पकड़ रहा जाता है, ये प्रॉब्लम बैटरी की वजह से ही होता है। मैंने इसे काट दिया कि शॉर्ट उट मार रहा होगा कहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे सबसे पहले तो आपको बैटरी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी होता है क्या, बैटरी जो है ख़राब हो जाती है। बैटरी ख़राब होने की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। अगर एक भी बैटरी अगर ख़राब होगा तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं बैटरी को चेक करता हूँ, क्योंकि लाइन आ रही है जा रही है। तो उसके लिए आपको एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मल्टीमीटर से आपको बैटरी पहले चेक करना होगा। तो चलिए मैं बैटरी को आपको चेक करके दिखाता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आसानी से मैं डायरेक्ट मुद्दे पर ही आ गया हूँ। ज़्यादातर बैटरी की प्रॉब्लम से एक वजह से ही होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए ये बैटरी है, आप देख रहे होंगे। आप मीटर पर ध्यान देंगे, मैं बैटरी को मल्टीमीटर से चेक करता हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा होगा। देखिए मैंने मल्टीमीटर के बारे में बताया था, पहले ही भी आपको मैंने बता चुका हूँ। ये प्लस का तार है, ये माइनस का तार है। चूँकि शाम हो गई तो आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं चेक करके आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए प्लस के तार को आपको प्लस में लगाना है, और माइनस के तार मैंने माइनस में लगाया। अब वोल्टेज देखिए मल्टीमीटर में वोल्टेज शुद्ध देखिए, आप देख रहे होंगे 12.4, यानी कि ये बैटरी बिल्कुल सही है। तो आपने देखा मैंने मल्टीमीटर से चेक किया, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्लस के तार को बैटरी के प्लस तार में, माइनस तार को बैटरी के माइनस तार में लगाना है। आप मल्टीमीटर में देखिए, मल्टीमीटर में देखिए वोल्टेज आपको दिख रहा होगा। यहाँ देख रहे हैं 12.4, यानी कि ये बैटरी बिल्कुल सही है। मैं दूसरा बैटरी आपको दिखाता हूँ, देखिए उसको इसी तरह से आपको चेक करना है। माइनस है, माइनस को माइनस में दिया, प्लस को प्लस में देने के बाद आप मल्टीमीटर को देखिए, आप वोल्टेज देख रहे होंगे 12.5, यानी कि बैटरी बिल्कुल सही है। ये दोनों बिल्कुल सही है। उसके बाद आप तार को अच्छी तरह से चेक कर लें कि तार तो कोई ढीला नहीं है। तार ढीला में वजह से भी होता है, या तार अगर टूट जाए तो भी होता है। यहाँ देखिए बिल्कुल तार बिल्कुल सही है। चलिए मैं उस साइड भी दो बैटरी लगी हुई थी उसको मैं चेक करता हूँ। चलिए मैं इसको पहले चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है यार। चलिए पहले इसी को चेक कर लेता हूँ। देख रहे होंगे इस तरीके से शाम हो गई है, ऐसा आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ। मल्टीमीटर पर ध्यान देंगे, यहाँ देखिए मैं चेक करके दिखाता हूँ। माइनस को फिर से माइनस में, प्लस को मैंने फिर प्लस में दिया। अब मीटर पर देखिए, मल्टीमीटर में देखिए, आप देख रहे होंगे 12.2 दिख रहा है, यानी ये भी बैटरी बिल्कुल सही है। तो मैं इसको चेक करता हूँ ये कैसा है। यहाँ देखिए यहाँ फॉल्ट तो पकड़ा गया है। यहाँ देख रहे हैं ये नट जो है ये ढीला हो चुका है, जर्किंग में चले आप नट देख रहे होंगे, जर्किंग में जाते ये नट ढीला हो चुका है, इसी वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। अब देख सकते हैं, मैं इस साइड को देखता हूँ, ये बिल्कुल सही है। फिर मैं आपको बैटरी चेक करके दिखा देता हूँ। फॉल्ट देखिए पकड़ा गया है, यही फॉल्ट है। अब मीटर पर ध्यान देंगे, ये देखिए प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में। अब मीटर में देखिए मल्टीमीटर, अब दिख रहा होगा 12.5, ये बैटरी बिल्कुल सही है। फॉल्ट यहाँ देखिए, फॉल्ट यही है, ये नट जो पूरा ढीला हो चुका है, झटके में चलते जैसा होता है कभी कभी। इस नट को आपको फुल टाइट कर देना है। इसको फुल टाइट आपको कर देना है, रिंग से टेढ़े नंबर का पना लगता है, उस पना से मैं टाइट कर देता हूँ।
13 नंबर का रिंग से आप इसको आपको अच्छी तरीके से फुल टाइट कर दें। देखिए इधर घूम रहा है, आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप फुल टाइट कर दें तो आपने अच्छी तरीके से आपको टाइट कर देना है। चलिए मैंने टाइट कर दिया है, तार भी बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिया। चलिए मैं इसको रखता हूँ, अब मीटर के पास में चल के आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको आप मीटर आके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए मैं चाबी को ऑन करता हूँ, आप देख रहे होंगे मीटर में फुल स्क्रीन आ रहा है। पहले जो ड्रॉप हो रहा था वो ड्रॉप भी नहीं हो रहा है क्योंकि हल्का वोल्टेज डाउन है। चलिए मैं एक्सेलेटर लेकर दिखाता हूँ आपको, आप देखिए गाड़ी झटका मारेगी, अब देख रहे हैं गाड़ी चल रही है लेकिन मीटर का मैं लाइन जो प्रॉब्लम था वो भी लाइन नहीं कट रहा है। देख रहे हैं आप गाड़ी आगे पीछे हो रही है, आपने देखा ये फॉल्ट हो सकती है। जब इस तरह का आपको फॉल्ट आती हो तो आप जो पहले सबसे पहले जाके बैटरी को चेक करें, बैटरी का तार जो ढीला होने की वजह से हो सकता है, कभी भी होता है, उसका पत्ती में कार्बन लग जाएगा, तूतिया लगता है, उसके कारण टूटने की वजह से भी ऐसा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप देखने के बाद इस तरह का कोई भी तो आपको फॉल्ट आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।